नमस्कार, बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त खुशबू। चीन के बाहर कोरोना वायरस के सबसे बड़े हॉटस्पॉट ईरान, दक्षिण कोरिया और इटली बताए जा रहे हैं। इस वायरस से मरने वालों में बुजुर्गों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है, लेकिन सवाल उठता है कि कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों में से कितने लोगों की मौत हो रही है। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद किसी व्यक्ति की मौत होने या उसका बच जाना तमाम अलग अलग कारकों पर निर्भर करता है। इन कारकों में संक्रमित व्यक्ति की उम्र, लिंग, उसका सामान्य स्वास्थ्य और वह जिस देश में रहता है वहां का स्वास्थ्य तंत्र शामिल है। कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद कितने लोगों की मौत होती है ये निकालना बहुत मुश्किल है। ऐसे मामलों में अक्सर ऐसा होता है कि वायरस के संक्रमण से ज्यादातर मामले स्वास्थ्य तंत्र की नजरों से ओझल रहते हैं। दुनिया भर में इस समय कोरोना वायरस से जुड़ी मृत्यु दर अलग अलग बताई जा रही है, लेकिन इसके लिए वायरस की अलग अलग किस्में जिम्मेदार नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से बुजुर्गों, पहले से बीमार और पुरुषों के मरने का खतरा ज्यादा है। चीन के 44,000 मामलों से पहले विश्लेषण में सामने आया कि कोरोना वायरस से बुजुर्गों के मरने की दर मध्य उम्र वर्ग के लोगों की तुलना में 10 गुना ज्यादा था। 30 साल से कम उम्र के लोगों के कोरोना वायरस से मरने की दर सबसे कम थी। ऐसे 4500 मामलों में सिर्फ 8 व्यक्तियों की मौत हुई। वहीं पुरुषों की मृत्यु दर महिलाओं की तुलना में ज्यादा थी। ये सभी कारक एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और हर भौगोलिक क्षेत्र में हर तरह के व्यक्ति को कितना जोखिम है इसे लेकर हमारे पास अभी भी पुख्ता जानकारी नहीं है। अगर चीन, यूरोप या अफ्रीका में रहने वाले किसी 80 वर्षीय वृद्ध को कोरोना वायरस से होने वाले जोखिम का अंदाजा लगाया जाए तो चीन में रहने वाले 80 वर्षीय वृद्ध नागरिकों को कोरोना वायरस से ज्यादा खतरा हो सकता है। आपकी मेडिकल हालत कैसी होगी ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपको किस तरह का ट्रीटमेंट मिला है। इसके साथ ही एक बात ये भी अहम है कि कोई व्यक्ति ये बीमारी फैलने के किस स्तर पर संक्रमित हुआ है। अगर महामारी फैल जाती है तो स्वास्थ्य तंत्र लगातार आते संक्रमण के मामलों से घिर जाता है, क्योंकि किसी भी नियत समय पर एक नियत स्थान पर एक सीमित संख्या में वेंटिलेटर और ICU उपलब्ध हो सकते हैं। हम कोरोना वायरस मृत्यु दर की तुलना फ्लू से नहीं कर सकते, क्योंकि हल्के बुखार के लक्षण होने पर लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। ऐसे में हम ये नहीं जानते कि हर साल फ्लू किसी अन्य नए वायरस के कितने मामले सामने आते हैं, लेकिन फ्लू की वजह से आज भी सर्दियों में ब्रिटेन में लोगों की मौत होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से एक सामान्य राय ये है कि आप हाथ धुलकर खांसते और छींकते हुए लोगों से दूर रहकर और अपनी नाक, आंख और मुंह को छूने से बचकर आप सांस लेने से जुड़े सभी वायरसों से स्वयं को खुद बचा सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।